राजस्थान विधानसभा के वर्तमान भवन में पिछले दो दशक से लगातार पांच बरस तक कभी भी 200 विधायक एक साथ इस भवन की छत के नीचे नहीं बैठे हैं। कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद एक बार फिर यह संयोग बन गया है। विधानसभा की एक सीट खाली हो जाने से अब फिर सदन में विधायकों की संख्या 199 हो गई है। एक दिन पहले कोरोना से हुई भीलवाड़ा के साहड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन से राजस्थान विधानसभा का ज्योति नगर स्थित भवन फिर से एक बार चर्चा में आ गया है। इसकी एकमात्र वजह यह रही कि इस विधानसभा में चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि यानी विधायक लगातार पांच बरस तक कभी भी एक साथ 200 की संख्या में नहीं रहे हैं। साहड़ा से विधायक कैलाश त्रिवेदी की मंगलवार को हुई मृत्यु के बाद अब विधानसभा में 199 सदस्य बचे हैं। अब 6 माह के अंदर उपचुनाव के बाद 200 की संख्या होगी। वर्ष 2000 तक राजस्थान विधानसभा जयपुर के पुराने शहर के एक भवन में चलती थी और 2001 में ज्योति नगर में इसका नया भवन बनकर तैयार हुआ था, तो विधानसभा यहां शिफ्ट हो गई। नए भवन में शिफ्टिंग के साथ ही तत्कालीन दो विधायक भीमसेन चौधरी और भीखा भाई की मौत हो गई थी। 2002 में कांग्रेस विधायक किशन मोटवानी और बीजेपी विधायक जगत सिंह दायमा की मौत हो गई। उसके बाद 2003 में रूपलाल मीणा का निधन हो गया। वह 2004 में गहलोत सरकार के तत्कालीन मंत्री राम सिंह बिश्नोई की मौत हो गई थी, तो वहीं 2006 में विधायक अरुण सिंह और नाथुराम अहारी का निधन हो गया। 2008 से 2013 के सदन का कार्यकाल तो कई विधायकों के लिए अपशकुन भरा रहा। 2013 से 2018 के कालखंड में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिली। इसमें 2017 में मांडलगढ़ से विधायक कीर्ति कुमारी का निधन हो गया, तो फरवरी 2018 में नाथद्वारा के विधायक कल्याण सिंह का निधन हुआ। अप्रैल 2018 में मुंडावर से विधायक रामपाल चौधरी का निधन हो गया, तो 2018 में विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान रामगढ़ सीट पर बसपा प्रत्याशी की मौत हो गई, तो 199 सीटों पर ही चुनाव हुए। इस तरह जब विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ तो 199 विधायक ही बैठे और रामगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की सफिया जुबेर विधानसभा में पहुंची तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल संसद में पहुंच गए। इस तरह संख्या फिर 199 रह गई। अब विधायक त्रिवेदी की मौत हो गई और विधायकों की संख्या फिर 199 में रह गई है। 15वीं विधानसभा सत्र के दौरान तो सदन में विधायक भूत और जादू टोना टोटके तक पर चर्चा कर चुके हैं। तत्कालीन मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर तो यज्ञ हवन या फिर गंगा जल से शुद्धिकरण की भी मांग कर चुके हैं। उस समय गुर्जर ने तत्कालीन अध्यक्ष कैलाश मेघवाल से हवन पूजन करवाने की भी मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।